अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के हवाले से। गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसने अपनी एक जो है न्यू फीचर ऐड किया है अपने ब्राउज़र में। फीचर कह लें, टूल कह लें या अपडेट कह लें, कुछ भी उसने अपडेट किया है या टूल ऐड किया है, तो टूल ही कह लेते हैं इसको, कि उसने जो है एक न्यू टूल जो है वो अपने ब्राउज़र में अपडेट किया है। वो टूल क्या है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम वालों ने एक न्यू फीचर ऐड किया है, और यकीनन जब आप अपना गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है वो ओपन करते होंगे तो आपको जो है ऊपर कॉर्नर पे एक गोल सा निशान नज़र आता होगा ब्लैक कलर का। देखिए आपको तस्वीर इस टाइम नज़र आ रही होगी, तो आपने कभी गौर किया है कि ये निशान किस चीज़ का है, ये बटन किस चीज़ का है और ये हमारे किस काम आने वाला है? अगर आपके पास ये निशान पहले तो नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले जाएँ और अपने गूगल क्रोम के जो ब्राउज़र है उसको अपडेट कर लें। जैसे ही उसको आप अपडेट करेंगे ये फीचर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये फीचर क्या है और ये हमारे किस काम आता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम के। तो ये मैंने अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लिया। देखें, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है जब आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखें, जब आप ऊपर वाली अपने कॉर्नर पे देखेंगे, देखें जहाँ मेरा कर्सर आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये एक ऑप्शन नज़र आता है वो आपको, ये प्ले बटन का, ठीक है? इस पर जब हम क्लिक करते हैं, मतलब कर्सर रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है कि सर्च टैब्स। तो अब ये सर्च टैब वाला ऑप्शन जो है ये न्यू है। अगर आपके पास ये अभी तक ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ये आ जाएगा। अब ये सर्च टैब क्या है, टैब किसे कहते हैं? टैब देख, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। देखिए ये हमारी, ये लिखा हुआ ऊपर न्यू टैब, यहाँ पे हमने बिलफर्ज ए गूगल लिखा और इंटर कर दिया, तो हमारा एक पेज ओपन हो गया, हमारी एक टैब ओपन हो गई। अब हम चाह रहे हैं दूसरा पेज ओपन करें, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी दूसरा पेज जो है हम उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यूट्यूब को जो है ओपन कर लिया, फिर हम तीसरा पेज इस तरीके से ओपन कर लेते हैं कोई भी, इसके बाद चौथा, मतलब हम बहुत सारी जो है पेजेस जो है वो ओपन कर लेते हैं, बहुत सारे टैब्स जो है वो ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। अब ये टैब हमारे किस काम आता है, ये देखें, अब ये हमने कोई खोला हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम चाहते हैं कि यार हम जो है ना दूसरी टैब पे जाएं, बजाय इसके कि हम यूँ एक एक को चेक करें कि यार ये फलानी टैब कौन सी है, कहाँ पर है। मतलब अब हमने ये याहू वाली जो है, ये ई मेल वाली अपनी जो है टैब खोलनी है, तो एक तो तरीका ये है कि हम यूँ सारों को चेक करते थे, क्योंकि बास वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा था कि कौन सी वेब है, तो हमें यहाँ पे एक एक को ओपन करना पड़ता है। और मुख्तलिफ कामों में जो है हमने बहुत सारी वेबसाइट्स जो है ना हमें खोलनी पड़ती हैं, ओपन करनी पड़ती हैं, तो एक एक को भी चेक करना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि शॉर्टकट ये दे दिया कि यहाँ पर ये टैब वाला सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो जो आपने देखे पेजेस जो है वो ओपन किए हुए होंगे, वेबसाइट्स ओपन किए हैं, तो उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने जस्ट एक वन क्लिक करना है और ये देखिए वो पेज आपका ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक किया ये पेज हमारा ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी टैब जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगर टैब्स है बहुत ज़्यादा तो आप उसको स्क्रोल डाउन भी करना नहीं चाह रहे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च टैब पे देखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे, जैसे कि ये मैंने LMS लिखा, देखिए ऑटोमेटिकली ये LMS वाली टैब पे चला गया और हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो पेज है वो ओपन हो गया। तो ये जो है इस काम आता है ये ऑप्शन। तो दोस्तों, ये जो टूल है मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला और मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। क्या आपको ये टूल पसंद आया और आपके काम आएगा? अगर आपके काम आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या यह बेटिंग की अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो इसके बारे में मुझे आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा इस हवाले से, ठीक है?
तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद के सवाल अगर आपके इस वीडियो के हवाले से तो आप हमें पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं मैसेज इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाए लिंक पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोनों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।